रेवाड़ी के उपायुक्त इमरान रजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा है। गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उनको स्वाभिमानी बनाना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। इसी के चलते अंत्योदय मेले के माध्यम से पात्र लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। उपायुक्त आजादी अमृतकाल में खंड खोल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेले का अवलोकन कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, डीआईए पीआरओ दिनेश कुमार, सीएमजीजीए अनुकृति शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने इस अवसर पर विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके पास आने वाले लोगों को योजनाओं के बारे में सही ढंग से जानकारी दें। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार की देरी न हो और ऋण देने के बाद काम शुरू करवाने तक संबंधित व्यक्ति की हर संभव मदद की जाए। उन्होंने मेले में पहुंचे लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि गरीब परिवार के उत्थान में उन परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के उत्थान में निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। गरीब लोगों को ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जहां एक ही स्थान पर सभी विभागों से जुड़ी स्कीमों का लाभ मिल रहा हो। उन्होंने कहा कि जिला में आयोजित किए जा रहे इन मेलों में एक ही स्थान पर चिन्हित लाभ पात्रों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मेला परिसर में लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने के बाद परामर्श केंद्र भेजा जाता है, जहां पर उनकी योग्यता व इच्छा अनुसार उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए संबंधित विभाग के स्टॉल पर भेजा जाता है। बैंकों द्वारा मौके पर इन लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। लाभार्थी द्वारा स्वयं योजना चुनी जाती है। इन मेलों के आयोजन से चिन्हित अंत्योदय परिवारों की आमदनी को कम से कम 1,80,000 रुपए वार्षिक तक बढ़ाना है, ताकि इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रेवाड़ी की प्रचार मंडली की ओर से केंद्र में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में आम जन को जागरूक किया जा रहा है। प्रचार मंडली के कलाकारों ने नागरिकों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आयुष्मान कार्ड, विवाह शगुन योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। कलाकारों ने लोक शैली में बताया कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जिला रेवाड़ी के प्रत्येक खंड में 17 मई तक चौथे चरण के अंत्योदय उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से इन मेलों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। देखिए, जैसा ये आज दूसरा रेवाड़ी जिले का दूसरा अंत्योदय मेला है जो है खोल में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें बेसिकली 300 से ज़्यादा लोग जो हैं, जो पात्र माने गए हैं सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र के आधार पे, इन लोगों को यहाँ इन्वाइट किया गया है। यहाँ पे जिले के लेवल पे जितने भी विभाग हैं जिनकी विभिन्न प्रकार की स्कीम्स है, जैसे आप बीसी से रिलेटेड स्कीम्स हैं हमारी, एससी कम्युनिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, मत्स्य विभाग की हैं, एनिमल हस्बेंड्री है हमारा, इस प्रकार के से वीटा बूथ का भी यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। इस प्रकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उन लोगों को यहाँ बुला के काउंसलिंग के माध्यम से ये विभिन्न प्रकार की स्कीम्स जो हैं ये लोगों को ऑफर की जा रही हैं, उनके एलिजिबिलिटी के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार ये ऑफर किया जा रहा है। और हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने भी लोग आते हैं, मैक्सिमम लोगों को हम सरकार की किसी ना किसी स्कीम के साथ जोड़ सकें, जिससे उनका विकास हो, उद्धार हो सके, सरकार का जो है अंत्योदय तक पहुँचना, अंत्योदय परिवारों तक पहुंचना और उनका विकास करना, ये उसी में एक उसी कड़ी में एक सरकार की पहल है। तो ये एडीसी साहब हमारे जो एडीसी रेवाड़ी हैं, इनके अध्यक्षता में सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशाल पुरी की रिपोर्ट।